हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय होम गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपसे एक समर सीजन के बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में बात करूंगी। ये प्लांट, इसके फूल देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और ये फरवरी से लेके ब्लूम करना शुरू करता है और अक्टूबर तक हमारे गार्डन में ब्लूम करता ही रहता है। ये प्लांट इतना सुंदर है कि इसकी देखभाल हमें कम करनी पड़ती है, पर इसमें फूल आते ही रहते हैं। रेनी सीजन में भी इसमें खूब फ्लावर्स आते हैं। देखिए, आजकल पानी बरस रहा है और मेरे गमले जो हैं इस फ्लावर से भरे हुए हैं। तो इस फ्लावर का, इस सुंदर फूल का नाम है मैक्सिकन पिटोनिया। मैक्सिकन पिटोनिया जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत फूल है जो कि आपका आपका जमीन में भी और गमले में भी लगा रहता है, पर मैं इसको अपने घर में गमलों में लगा रखा है। ये फ्लावर आपका, एक तो ये लाइट पिंक कलर का जो मेरे यहाँ लगा हुआ है वो, और एक डार्क पर्पल और एक व्हाइट कलर में आता है। और तो लोग जिनके पास की गार्डन के लिए समय कम है, देखभाल के लिए समय कम है, और जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये फ्लावर बहुत अच्छा है, क्योंकि तो इसको आप लगा करके छोड़ भी दें तो भी ये फूल देता ही रहता है। इसमें एक तरफ से फूल गिरते हैं, दूसरी तरफ से देखिए ये ऊपर सारी बर्ड्स आ रही हैं, कितनी बर्ड्स इसमें देखिए लगी हुई हैं। ये फूल आज जो है अगर गिर जाएंगे तो ये नीचे इतनी सारी कलियां हैं कि ये फिर से ब्लूम करने लगेंगी। तो इसमें फूल आते ही रहते हैं और ये फ्लावर से भरा रहता है। इससे क्या कि हमारे गार्डन की जो रौनक है बहुत अधिक बढ़ी रहती है। ये मेक्सिको का फ्लावर है और इसका जो एक और नाम है वो है रूवेलिया पिटोनिया। पर अब हमारे विंटर्स में पिटोनिया ब्लूम करता है, उससे आप बिल्कुल भी इसको मत इसको रिजेम्बल करिएगा, क्योंकि जो है वो पिटोनिया बिल्कुल अलग है और इसको केवल नाम पिटोनिया का दिया गया है। इसकी पत्तियां, इसका फूल बिल्कुल पिटोनिया की तरीके का है, लेकिन ये बिल्कुल भी पिटोनिया फैमिली से बिलोंग नहीं करता और ये मैक्सिको का वाइट फ्लावर है। तो मैं इसके बारे में आपको बताना स्टार्ट करती हूँ। तो पहला पॉइंट इसके सन से रिलेटेड है। इसको आप जितना ही सन में रखेंगे इसमें फ्लावर उतना ही अच्छा आएगा। देखिए, जितना इसमें ये फूल खिला हुआ है उतना ही ये देखिए सब बर्ड से ये भरा हुआ है ये। इसमें और हिबिस्कस के फ्लावर में एक सिमिलरिटी है कि हिबिस्कस का फ्लावर भी मॉर्निंग में ब्लूम करता है और इवनिंग तक गिर जाता है, एक दिन रहता है। और सेम वही मैक्सिकन पिटोनिया के साथ है कि ये भी एक दिन मॉर्निंग में ब्लूम करता है और शाम तक ये मुरझा जाता है। और फिर नेक्स्ट डे इसमें जो बर्ड्स दिखाई दे रही हैं इतनी सारी, वो फिर खिल जाती हैं और फिर भर जाते हैं। अगर आपने ज़मीन में लगाया तो में भी बहुत अधिक फ्लावर्स इसमें आते हैं। इसको आप सनलाइट में रखिए तो ये बहुत अच्छा ब्लूम करता है, लेकिन टू मच जब गर्मी हो तब इसको भी शेड पसंद है। कि वाटर के बारे में बात करें तो यदि अगर आप बिज़ी हैं और आपके पास अपने गार्डन को समय देने के लिए कम है, तो इसको जब आप सूखा देखें तो आप इसके गमलों में वाटरिंग कर दें, ये अपना आराम से चलता रहेगा। इतना हार्डी प्लांट है ये कि ये बहुत कुछ जो है वो बर्दाश्त कर लेता है, और इसको अगर कम पानी मिले, कम खाद मिले, उसको भी सहते हुए ये ब्लूम करता रहता है। इसमें कोई ख़ास खाद की देखिए ज़रूरत नहीं होती है। मैं भी इसमें जब और पौधों में खाद डालती हूँ उससे भी कम, जब दो बार डालूँगी तब कभी एक बार इसमें, कभी इसमें मैं काउ डंक मैन्योर डाल देती हूँ, लेकिन उससे हरियाली बढ़ जाती है। तो फिर अगर मैं कभी पोटाश की खाद डाल रही हूँ या मैं डाल रही हूँ आपका सरसों की खली का फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो वो इसमें कभी डाल देती हूँ, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि अगर हम इसमें फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे तो ये ब्लूम नहीं करेगा, ये आराम से ब्लूम करता रहता है। इसलिए मैं ये प्रेफर करूँगी कि जो लोग बिगनर्स हैं या जिन लोगों के पास अपने गार्डन को देने के लिए समय कम है, उसे इसको अपने गार्डन में ऐड करें। दो तरीके से इसका प्रोपोगेशन होता है, एक तो बीज से होता है। तो अभी मेरे पौधे खिल रहे हैं तो इनमें मुझे कहीं भी फलियाँ जो हैं आपको दिखाने के लिए नहीं दिखाई दे रही हैं कोई भी। तो एक इसका प्रोपोगेशन जो है वो फलियों से होता है।
जैसी विष्णु कांता की फलियां होती हैं वैसी फलियां निकल आती हैं, और उनके बीच में से सीड निकलता है, उसको आप बो सकते हैं सॉइल में, अच्छी सॉइल बना के, तो ये इसके पौधे निकल आते हैं। दूसरा जो इसका प्रिपोवेशन होता है वो इसकी ब्रांच से भी हो जाता है। ये देखिए आपको ब्रांच दिखाई दे रही है, ये देखिए ये ब्रांच दिखाई दे रही है। इसको आप करीब इतना 2 इंच के करीब यहाँ से कट कर लीजिए और इसके नीचे की पत्तियों को हटा दीजिए। हटा करके आप इस ब्रांच को कहीं भी, जैसे इसको अगर आप प्रोपोगेट करके मिट्टी में लगाएंगे तो ये अपने आप बड़ा हो जाएगा और ये फ्लावर्स देने लगेगा। तो प्रोपोगेशन बहुत ही आसान है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इसमें हल्का सा आप ये रूटिंग हार्मोन लगाइए और मिट्टी में डाल दीजिए और इसका पौधा जो है आराम से निकल आएगा। ये देखिए ये एक दिन खिलता है, और ये देखिए कल जो खिले थे फूल वो ये पड़े हुए हैं। ये देखिए हिबिस्कस के फ्लावर की तरह मॉर्निंग में खिलता है और ये इवनिंग में मुरझा जाता है। तो इसका प्रोपोगेशन बहुत आसान है, और एक आप बीज से कर लीजिए और एक आप इसका बड से कर लीजिए। अगर मैं इसकी पेस्ट की बात करूं अब, तो इसमें कोई खास पेस्ट नहीं लगते हैं, लेकिन अगर अगल बगल के पौधे जैसे गार्डन में बहुत होते हैं, और इसमें अगर आपको पेस्ट दिखाई भी दे रहे हैं तो इसमें आप सोप का लिक्विड बनाइए, 2 चुटकी उसमें सर्फ और 2 चुटकी सोडा लेके उसका स्प्रे बॉटल में भर लीजिए, उससे इस पर छिड़काव कर दीजिए, या फिर नीम ऑयल का स्प्रे करिए, तो आपके जो है वो पेस्ट चले जाएंगे। ये इतना आसान है प्रोपोगेट करने के लिए। आपको अगर कहीं भी ये मैक्सिकन पिटोनिया लगा हुआ दिख देता है तो आप उनके घर से अगर एक छोटी सी भी डाल ले लेंगे और अपने यहाँ गमले में डालेंगे तो बहुत ये जो है वो इतना बुशी हो जाता है और इसमें खूब फ्लावर्स ही फ्लावर्स निकलते हैं। और अगर आप नर्सरी से लेने जाएं तो इसकी पहचान देखिए, ये पत्तियां कितनी सुंदर हैं इसकी, नोकदार ऐसी पत्तियां। हालांकि वो लोग कह के देते हैं मैक्सिकन पिटोनिया, उनसे कलर पूछ लीजिएगा, मेरे पास तो ये पिंक कलर का पिटोनिया है, एक गमला नीचे भी मेरा रखा हुआ है वो उसमें डार्क पर्पल कलर का पिटोनिया है, लेकिन वो भी ब्लूम नहीं कर रहा है, तो आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। तो ये फ्लावर आशा है मुझे कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मैक्सिकन पिटोनिया अच्छा लगा हो तो ये एक बहुत इजी ग्रोइंग फ्लावर प्लांट है, इसको आप अपने गार्डन में लगाएं और गार्डन को सुंदर बनाएं।